पूछोगे कि एक हिंदुस्तान में 45 इयर्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है, कि आप चाइना के एग्जांपल दीजिए, अगर उनकी जीडीपी डाउन होती है तो एक ग्लोबल न्यूज बन जाती है, पर आज हमारे हिंदुस्तान में 4.5% न्यूज जीडीपी डाउन है, ये एक लोकल न्यूज बन के रह गई है, ये मीडिया बिक चुकी है टोटली। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रिपल तलाक का इशू दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि एनआरसी दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि अयोध्या ही दिखाया जाता है। जिस देश की मीडिया बिक गई उस देश का संविधान बिक गया। अपील टू ऑल ऑफ द नेशन एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है महात्मा गांधी, मेरा नाम है भगत सिंह, मेरा नाम है खान अब्दुल गफ्फर खान, मेरा नाम है मौलाना आज़ाद, मेरा नाम है नेहरू, मेरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेरा नाम है हिंदुस्तान। इसके अलावा किसी चीज़ की बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, कि एक धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाई इज इट दैट कि ट्रिपल तलाक का बिल ही लाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि आसाम पे एनआरसी लाई जाती है, ऐसा क्यों होता है धारा 370 लाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसा इशू लाया जाता है जिस पे वोट बैंक की राजनीति की जाती है। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि आज इकोनॉमी 4.5% पे आ चुकी है, क्योंकि आज नहीं पूछोगे तब कब पूछोगे, कब पूछोगे कि एक हिंदुस्तान में 45 इयर्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है, क्योंकि सबसे बुनियादी मुद्दा सबसे आपके लिए यही है कि आपका करियर ग्रोथ कब होगा, क्योंकि जब स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द पीपल, इफ द पीपल आर नॉट प्रॉस्परिंग देन हाउ कैन यू से द स्टेट इज गोइंग टू बी सिक्योर, इफ देयर इज नो इकोनॉमिक माइट देन हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू द मिलिट्री माइट, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप बंदूक कहां से खरीदेंगे। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जापान का एग्जांपल देखिए, आप यूएस का एग्जांपल देखिए, आप चाइना का एग्जांपल देखिए, अगर उनकी जीडीपी डाउन होती है तो एक ग्लोबल न्यूज बन जाती है, पर आज हमारे हिंदुस्तान में 4.5% न्यूज जीडीपी डाउन है, ये एक लोकल न्यूज बन के रह गई है। ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा, ये हिंदुस्तानी का सवाल है, ये आपको पूरा सबको मिलकर सुनना पड़ेगा। और एक सवाल पूछना ये भी पड़ेगा कि जब अन्ना आंदोलन पे लोग दिल्ली में इकट्ठा हो सकते हैं तो वो आंदोलन ये इसलिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेकुलरिज्म का मतलब जो आपको बताया जा रहा है, ये मीडिया बिक चुकी है टोटली। आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रिपल तलाक का इशू दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि एनआरसी दिखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि अयोध्या ही दिखाया जाता है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है खाने को, लोगों के पास ये नहीं है कि 45 इयर्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, लोगों के पास एफडीआई नहीं आ रहा, मेक इन इंडिया नहीं हो रहा। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा अगर आप एनएजुकेटेड हो। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को समझना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र के फॉर्मर आईएएस ऑफिसर से जाके पूछिए जिसको पीसफुल प्रोटेस्ट पे डिटेन कर लिया गया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है दैट वी कैन पीसफुली प्रोटेस्ट बट दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू, देन हु इज रिस्पांसिबल फॉर, किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं हम जहां हम कहते हैं कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो बंदा परसिक्यूटेड है, हम 34,000-35,000 की बात करते हैं, वो कहते हैं लाखों करोड़ों है। आप समझिए इस चीज को, 20 लाख की बात की गई थी, मेजोरिटी आर द हिंदूज। इस चीज को जब पता चला तो इस चीज को बताया गया कि दे विल बी गिवन द सम प्रोविजन डेट अगर कोई बंदा आ रहा है गुलशन नाम से कह के तो उसे बोल दिया जाएगा कि तू गुलशन है, वो कहेगा साबित कर, वो कहेगा साबित कैसे करूं मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कहेंगे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिए। पर एक मुसलमान से पूछा जाएगा तू मुसलमान है, तुझे डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाने पड़ेंगे। ये कोई लॉ नहीं होता, ये संविधान हमने नहीं बनाया था, ये संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का नहीं बनाया हुआ, ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये सच है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें भी जरा सा भी शक है तो आपके सामने बिल है, अगर थोड़ी सी समझ है तो इसको पढ़िए, इस चीज़ को समझिए, इस बिल को समझिए। किसी मीडिया पे भरोसा मत कीजिए, सब कॉर्पोरेट पे बिक चुकी है। 90% ऑफ द फंडिंग ऑफ द इलेक्टोरल फंडिंग हैज बीन गिवन टू ओनली वन बीजेपी पार्टी, एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाई ओनली दैट द जीडीपी इज डाउन द कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन कट, व्हाई इज इट दैट द राइपर राइड हैज बीन कंप्लीट, जहां डिमांड साइड से प्रॉब्लम है क्यों सप्लाई साइड के इश्यूज को प्रॉब्लम किया, क्यों बीएचपीएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्यों प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, क्यों रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने फंडिंग की थी आज वो अपना हक मांग रहे हैं, आज प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 4.5 लाख करोड़ इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बीएचपीएल एंड इट इज बीन सोल्ड अप, इट इज गोइंग टू बी सोल्ड अप बाय द गवर्नमेंट एट 76,000 करोड़, एंड 2.5 लाख करोड़ वाज द सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेइंग दैट द 2.5 लाख करोड़ वी हैव लॉस्ट इन अवर डीमोनेटाइजेशन। इस चीज का जवाब कौन देगा, इस चीज का जवाब कौन देगा कि जो लोग हमारा पैसा लेके भाग गए वो पैसा लेके तो भाग गए, उनसे तो हमने रिकवर किया नहीं, गवर्नमेंट रिकैपिटलाइज कर रही है बैंक को, हमारा ही पैसा उनको दोबारा दे रही है और कह रहे बैंक उभर गया। इस देश का नागरिक कब उभरेगा, इस देश के फ्लाईओवर के नीचे सोने वाले दो वक्त को रोटी कम मिलेगी। आपको आज बुनियादी सवाल यह है कि आज आपका बेटा भी होगा, आज आपके पिता आपसे ये सवाल पूछते होंगे कि बेटा कहीं जॉब लगी कि नहीं लगी, ये आप सच जानते हैं अगर आप पढ़ रहे हो तो। आज आप ये सच जानते हैं कि हमारी रिसर्च पे R&D पे 0.6% ऑफ द GDP इज बीइंग एक्सपेंडेड, ये सबसे बड़े बुनियादी मुद्दा है। आज वो लोग ये सोचते हैं कि साइबर वॉर करेंगे, आज वो लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर करेंगे, आज हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी आर्मी तैयार है, ट्रेडिशनल वॉर कोई फाइट नहीं करता अगर एजुकेटेड बंदे हो तो। आज वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपने
यहाँ बैठ के यूएस का सिस्टम हैक कर सकता है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो, एजुकेटेड जरा से भी हो, तो इस चीज़ को समझिए कि क्यों ऐसा होता है कि आपको यही इश्यूज दिखाए जा रहे हैं। ये सवाल बुनियादी है, आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो कहना बंद कर दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं। ये सवाल नहीं बनता। हम हिंदुस्तानी हैं तो ये मतलब नहीं बनता कि मेरा नाम से मतलब क्या है। मैं अपना सरनेम भी क्यों बताऊं, मैं अपना नाम भी क्यों बताऊं। मैं एक हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी रहूंगा। कोई ये भेदभाव नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। हम भगत सिंह की संतान है, हम महात्मा गांधी के संतान है, हम वल्लभ भाई पटेल की संतान है, मौलाना आजाद की संतान है। हम संतान है तो खान अब्दुल गफ्फर खान की, जिन्होंने इस देश को बना के रखा था 1923 में, जिसने बात करी थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये आपको पहचानना पड़ेगा किसने शुरू किया था और कौन खत्म किया था। इस चीज़ को समझना आपको पड़ेगा। इसलिए उनकी बातों में मत आओ जो आपको दिखाया जा रहा है। देखना चाहते हो तो अगर सपोर्ट करना चाहते हो, एटलीस्ट #मीडिया बिक गई इसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जिस देश की मीडिया बिक गई, उस देश का संविधान बिक गया। वो देख डिक्टेटरशिप में, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप हैज बीन डिक्लेयर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ये बहुत बड़ा इशू है। सेकुलरिज्म पे इट इज अ बहुत बड़ा हैमर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों पार्लियामेंट सेशन रेप के लिए नहीं बुलाया जाता जब ये एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था। हैदराबाद में उन्नाव में रेप हुआ, क्यों एक पार्लियामेंट सेशन 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के लिए नहीं बुलाया जाता। क्यों एक NRC के लिए एक टारगेट किया जाता है, जहाँ लोगों के, जहाँ हमारे देश के पास आमदनी नहीं है, उन लोगों से ये बोला जा रहा है कि कौन घुसपैठिया है। उन लोगों से ये पूछा जा रहा है कौन घुसपैठिया है। अगर है भी तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये कोई सिस्टम नहीं है, लॉजिक नहीं है। आज क्यों है हमारे इकोनॉमिक्स रिजाइन करके जा रहे? क्यों RBI गवर्नर 2 रिजाइन कर गए? मेरे से मत पूछो, खुद से पूछो, या तो उनसे जाके पूछो, या पूछो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स क्यों रिजाइन करके गए। क्यों देश कौन चलाएगा? ब्यूरोक्रेट्स चलाएगा। ब्यूरोक्रेट्स आर गोइंग टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क व्हेन द ब्यूरोक्रेट्स आर बीन टोटली बी रिजेक्टेड। तो ये देश कौन चला रहा है? कौन डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर करता है? कौन GST डिक्लेयर करता है? कौन डिक्लेयर करता है NRC पूरे देश में होगा? चलेगी तो किसकी चलेगी? वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये देश चलाएगा तो लोग चलाएंगे। ये देश का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे। और अगर रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग टू अंडरमाइन अवर प्रोसेस, दे आर गोइंग टू अंडरमाइन दिस प्रीएम्बल, वी ऑल आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड रीअपील द सेम स्लोगन दैट गवर्नमेंट दैट गांधी हैज गिवन टू अस, चलो दिल्ली। और दिल्ली में आना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं आ सकते तो इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए। यह कोई कॉमर्शियल पर्पज से नहीं है, लाइक पर्पज करने के पर्पज से नहीं है। एटलीस्ट इस मैसेज को पूरा वायरल कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। आसाम की लड़ाई नहीं है, दिल्ली की लड़ाई नहीं है, हिंदू की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तानी की लड़ाई है। इस चीज को समझना होगा, आपको आगे आना पड़ेगा। इस मैसेज को वायरल कर दीजिए, ऐसी आग लगा दीजिए हिंदुस्तान में। आज सोशल मीडिया की ताकत दिखा दीजिए। आज देश आपकी तरफ देख रहा है और देश आपकी तरफ देखता रहेगा। अगर आज आपने ये नहीं किया तो एटलीस्ट इतना ही कर दीजिए कि इस मैसेज को स्प्रेड कर दीजिए। और अगर इतनी जरूरत कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन दीजिए इस इशू को। कैसे भी सपोर्ट कीजिए, दिल्ली आइए। और याद रखिए अन्ना आंदोलन में क्या हुआ था, जन आक्रोश हुआ था। आज हमारे लीडर्स नहीं रहे। कोई अपनी आइडियोलॉजी बदल लेता है तो सत्ता के लिए कुछ भी कर लेता है। आज आप अपने आप में सबसे बड़े लीडर है। आज एक हिंदुस्तानी हर अपने आप में लीडर है। प्लीज सबको सामने आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कुछ नहीं तो हटाइए सबको, आप खुद समझिए फैक्ट्स को, आप खुद समझिए इतिहास को, मत समझिए कोई आपको समझा रहा है। तो सवाल करना सीखिए, यह आपका हक है। फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन डायल्यूट कर दिया गया। हम उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप चोर हो, वो कहते हैं रिजेक्ट कर दिया। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्यूर उन्होंने डिसाइड कर दिया, लोकपाल बेंच डिसाइड नहीं करी, तो कैसे पता चलेगा वो चोर है? ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है? सारा सिस्टम पूरा अनडिक्लेयर डिक्टेटरशिप पे जा चुका है। ये देश आपकी तरफ देख रहा है। आपको ये मैसेज स्प्रेड करना पड़ेगा और अपने आप को जगाना पड़ेगा कि इस देश में क्या हो रहा है। क्योंकि जिस देश की मीडिया बिक गई, वो देश बिक चुका है।